वन बाई रूट थ्री मीटर मान लेते हैं, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड ये वाली लेंथ आपको दे रखी है मान लेते हैं रूट 3 मीटर और ये एंगल दे रखी है 30 डिग्री। ये इमेजिन करो एक स्मूथ ट्रैक है पूरा, ठीक है, स्मूथ ट्रैक है, पर हमने क्या कर रखा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मान लो रिलीज कर रखा है यहां से, दिस इज मास एम, दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में गिवन है ट्रैक इज स्मूथ एवरीवेयर, ट्रैक इज स्मूथ एवरीवेयर, ये जो बॉल को रिलीज करेंगे तो ये बॉल जब 30 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पे आएगा तब एक कोलिजन होगा ना, सडनली होगा नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है आपको? क्योंकि अचानक से देखो स्लोप चेंज हो गई है और अचानक से स्लोप चेंज होने से वहां तो कोलिजन होना ही है। अगर ये स्मूथ ट्रांजिशन होता तब कोलिजन नहीं होता, जैसे ये सर्फेस अगर ऐसा होता ऐसे होता तब स्मूथ ट्रांजिशन है, तब तो कोलिजन नहीं होने का चांस है, बट यहाँ पे तो बेसिकली ऐसे 60 डिग्री से अचानक से 30 डिग्री हो गया है, तो जब ये आएगा यहाँ पे तो कोलिजन तो होगा ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द सेकेंड इंक्लाइन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक दे रखता है और आपसे ये पूछा है पहला पार्ट फाइंड द स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये कितना होगा आपको ये निकालना है, ये कितना होगा? दूसरा आपको ये निकालना है इफ द कोलिजन वॉज परफेक्टली इलास्टिक then what would be the vertical component of velocity just after collision? ठीक है, ये कितना वही निकालना है। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं जस्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन दिखा रहा हूँ, जब ये यहाँ पे होगा, ठीक है, तो कितना हाइट पहले नीचे गिर चुका है आपको पता चल रहा है? व्हाट इज द हाइट दैट इज फॉलिंग थ्रू? हाँ सर, पाई रूट थ्री टाइम्स, पाई रूट थ्री टाइम्स, रूट थ्री टाइम्स ऑफ वन बाय रूट थ्री, यही है ना? यस सर, है? यस सर, तो ये बेसिकली 1 मीटर है और 1 मीटर अगर हाइट नीचे गिर चुका है तो इसके पास जो वेलोसिटी हो चुका होगा, ये वेलोसिटी को अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए v1 कह रहा हूं, तो ये वेलोसिटी v1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं दिस इज रूट अंडर 2g टाइम्स ऑफ 1 व्हिच इज बेसिकली रूट अंडर 20, ठीक है ना? यस सर, ठीक है, यस सर, हां सर। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ब्रेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी। क्यों ब्रेक कर रहे हैं वो अब आपको पता चलना चाहिए। देखो एक है ये वाला लाइन जो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, देखो इसको एक बार ऐसे ये देखो, ये इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल लाइन चल रहा है, तो v1 का तो दो कंपोनेंट है ना, एक जो इस लाइन के पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, आपको रियलाइजेशन हो रही है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो जो अप्रोच कर रहा है वो सरफेस को, वो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से? सर
ये देखो ये वी वन का इधर का एक कॉम्पोनेंट आएगा, देखो ये एंगल परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी का इधर का जो कंपोनेंट होएगा ये हो जाएगा v1 into cos of 30 डिग्री होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो कंपोनेंट है ये वाला इस सेकंड इंक्लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, दिस इज v1 into sin 30 डिग्री, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर, रुको मैं एक बार इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा, ये इस ऑरेंज वाले लाइन के साथ देखो परपेंडिकुलर है, समझ आ रही है आपको? यस सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, v1 यहाँ पे था ठीक है। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको पता चल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 sin 30, एंड आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब तो पता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए, जीरो, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट सडनली जीरो हो जाएगा ना जैसे ही टकराएगा तो, होगा? हाँ सर, हाँ सर, इसका मतलब वो जो सेकंड सरफेस पे मूव करेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा, v1 cos 30, हाँ सर, यस सर, ये वाला कंपोनेंट आपको बस जीरो कर देना है अचानक से, ठीक है, दिस कंपोनेंट हैज टू बी जीरो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिस बिकम्स जीरो, ठीक है ना, ये जीरो आपका पार्ट वन के लिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक के रखा है, तो v1 cos 60 से चल रहा है और यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा ये आपको निकालना है, v2, क्या हम बता सकते हैं v2? बस एनर्जी कंजर्वेशन फिर से, हाँ राइट, हाँ फिर से देखो तो कितना हाइट ही नीचे उतरा है, फर्दर कितना हाइट नीचे उतरा है, 1/√3 × √3 दिख रहा है क्या, फिर से 1 मीटर उतरा है, इसका मतलब v2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि v2 का स्क्वायर will be v1 cos 30 iska square and plus 2g into 1, aisa likh sakte hain kya, dekho diagram dekho, yes sir, theek hai, yes yes, ab v1 to aapko already pata hai, v1 is root 20 to uska square matlab 20 ho jayega, so this is 20 into cos 30 ka square matlab 3/4 aayega and plus 2g matlab 20 aayega, ye 4 to 5 se cut jayega, ye 15 plus 20 matlab 35 ho jayega, तो v2 का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज रूट अंडर 35 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 6 मीटर पर सेकंड के आसपास ही आएगा, है ना, राइट? हाँ सर, हाँ सर, अगर आपको इंटीजर्स का अगर रूट याद रखना शुरू किया आपने तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, किसी को याद हुआ है 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी को नहीं याद हुआ है, अभी मतलब आपने याद रखना शुरू किया, 5.9 से और बहुत क्लोज आएगा क्योंकि ये 35 से बहुत 36 से बहुत नहीं, आपको दो डेसिमल प्लेस तक मैंने याद रखने बोला था बेटा, भूल गए हैं, दो डेसिमल प्लेस तक आपको याद रखने बोला था एग्जैक्ट वैल्यूज, अब अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि इंटीजर है, ठीक है, बट एनीवेज यू नो यहां पे तो मैं मान के चल रहा हूं कि सेकंड डेसिमल प्लेस तक मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे उसने क्या रखा, इफ द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक देन व्हाट वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच सेम होगा, पता है ना? हाँ सर, हाँ सर, तो जो ये वाला एंगल सोचो, ये एंगल 30 डिग्री जो था, इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो रिवर्स हो जाएगा ना, होगा? हाँ सर, हाँ सर, और जो पैरेलल कंपोनेंट था वो तो अनचेंज रहेगा, तो ये देखो ये जो पैरेलल कंपोनेंट था आपको याद है कितना है, v1 cos 30 था, याद है आपको, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो v1 sin 30 था ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, और उसने पूछा है वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 है, तो इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं v परपेंडिकुलर कह रहा हूँ और इसको v पैरेलल कह रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर cos 30 और इधर से लिखें तो ये हो जाएगा v पैरेलल cos ऑफ 60, तो अगर v का वर्टिकल कंपोनेंट निकालें वर्टिकल कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर cos 30 माइनस ऑफ v पैरेलल cos ऑफ 60, देखो तो आ रहा है क्या, ये दिख रही है? यस सर, यस सर, और v परपेंडिकुलर मतलब v1 sin 30, तो v1 sin 30 लिया और इसके साथ cos 30 मल्टीप्लाई किया, माइनस v पैरेलल कितना था, v1 cos 30 और इसके साथ
cos of 60 भी मल्टीप्लाई कर दिया. देखो तो दोनों वैल्यू सेम है क्या, cos 30 cos 60 sin 30 ये क्या लिखा है, sin 30 cos 30 हाँ ठीक है तो है. देखो तो सेम वैल्यू है क्या, है नहीं तो सर, नहीं तो सर. अरे sin 30 सेम एज cos 60 बाबा. ओ हाँ सर, हाँ सर, ओ हाँ सर, नहीं हाँ, तो सर क्या बोल रहा है. तो ये दोनों कट गया आपस में, कितना बचा, जीरो बचा ही नहीं बचा. देखिए आपको, हाँ सर, हाँ सर. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, जीरो आ गई. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ये मान लो आपके पास एक 2m मास है और इसके साथ यहाँ पे एक m मास का एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है. इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो आपको l दिख रहा है मान लेते हैं, ठीक है. ये l है और ये एक स्लैकेंड स्ट्रिंग है, स्लैकेंड string of length 2 lm. अब हमने क्या किया, जो initial line connecting masses है उसके perpendicular direction में हमने m को एक velocity v naught देके project कर दिया है, ठीक है. यस है, ये इसके perpendicular है और ये diagram दे रखा है horizontal plane का है. The diagram shown is top view, top view of a हॉरिजॉन्टल टेबल. ये हॉरिजॉन्टल टेबल का टॉप व्यू दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, ठीक है. अब उसने ये पूछा है आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू मासेस just after string tightens. String tightens. Okay. मैं solve करो, देखो इधर ये अपना 2m mass है और जस्ट टाइट होने से पहले का सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट टाइट होने से पहले का. तो क्या ऐसा सिचुएशन दिखेगा, स्ट्रिंग पूरा खुल गया होगा, नहीं खुल गया होगा, होगा ना. हाँ सर, हाँ सर. दिस इज जस्ट बिफोर टाइटनिंग, ठीक है, जस्ट बिफोर टाइटनिंग. टाइटन होने से जस्ट पहले से, तो क्या उसका स्पीड चेंज किया होगा, क्या उसका स्पीड चेंज किया होगा, सोच के देखो. V नॉट ही तो रहेगा ना, होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, स्ट्रिंग टाइटन नहीं हुआ है अभी तक, जस्ट बिफोर टाइटनिंग का है. इसका मतलब स्ट्रिंग का तो फोर्स आया ही नहीं है और वैसे भी बोल रखा है स्मूथ सर्फेस है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है, तो स्पीड चेंज कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता. इसका मतलब V नॉट ही रहेगा. अब इस V नॉट के हम दो कॉम्पोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, देखो, एक है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और दूसरा है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये एंगल थीटा 30 डिग्री है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आपको 2L दिया हुआ है, दिस इज 2L एंड दिस इज L, दिख रहा है आपको. साइन थीटा इज देखो हाफ, दिख रहा है आपको. हां सर, तो थीटा आपको 30 ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 होगा. तो अगर मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करूं, एक है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको मैं v पैरेलल अगर कह रहा हूं, आई एम सेइंग दिस टू बी एज v पैरेलल, v पैरेलल, और इस केस में इधर से v परपेंडिकुलर. आप ये बताओ मुझे, v परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स जनरेट होगा टाइटनिंग होने से? नो सर, नो सर. ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन की तरह है ना, देखो दो मास टकरा रहे हैं, दिख रहा है आपको, बस टकराने में क्या होता है, टकराने में पुशिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के टाइटनिंग होने में क्या होगा, पुलिंग फोर्सेस जनरेट हो रहा है ना. हाँ सर, हाँ सर. और पुलिंग फोर्स भी आपको पता है लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, ये देखो, दिख रहा है आपको,
ये yes, जो स्ट्रिंग का लेंथ yes, है वो बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. तो उससे कौन से कंपोनेंट चेंज होते हैं? जो कंपोनेंट अलोंग दी लाइन कनेक्टिंग दी मासेस है ना, मतलब ये पैरेलल चेंज होगा. हां सर. और आपको ये पता है कि अगर स्ट्रिंग टाइटन होना है तो दोनों मास को तो एक ही वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि m वाला आगे भाग जाए और 2m वाला पीछे रह जाए, कैसा हो सकता है? नहीं सर. इसका मतलब m और 2m मिला के एक साथ मूव करेंगे ना अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बट m के पास एक एडिशनल वेलोसिटी होगी जिसको हमको v परपेंडिकुलर कहना है. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो अब अगर मैं इसी को जस्ट आफ्टर अगर ड्रॉ करूं, जस्ट आफ्टर टाइटनिंग का अगर ड्रॉ करें, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं यहां पे. मैं इसी डायग्राम को जस्ट आफ्टर टाइटनिंग ड्रॉ कर रहा हूं. ये डायग्राम अब जस्ट आफ्टर का है, ठीक है? अब ये वी पैरेलल हमारा चेंज हो जाएगा. अब इसको एक काम करते हैं, दो कंपोनेंट अलग अलग, इसको वी एक्स वी वाई कह लेते हैं. ये मान लेते हैं ये वी एक्स है. वी नॉट भी हटाना पड़ेगा मुझे, अब वी नॉट नहीं यूज कर सकते. ये एंगल 30 डिग्री है. सो इसको वी एक्स मान लिया और इसको वी वाई मान लिया, और इसकी वेलोसिटी को हमने वी दिखा दिया. तो एक चीज पक्का है ना कि वी एक्स और वी सेम होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, राइट? हाँ सर. कंस्ट्रेंट आपका क्या कहता है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए. तो वी एक्स और वी सेम होना चाहिए, और स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट भी हो रहा है वो तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही जनरेट हो रहा है, और वो पेयर में जनरेट हो रहा है. तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे? सिस्टम पे मतलब दोनों मास को इंक्लूड करके? नहीं है ना. नहीं सर. तो इसका मतलब मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए हर एक डायरेक्शन में. तो देखो, सो देयरफॉर एज एफ नेट आपका सिस्टम पे जीरो है, एफ नेट इज जीरो ऑन एम प्लस टू एम सिस्टम. एम और टू एम को मिला के जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, वो जीरो है. तो इससे आपको ये कंक्लूजन मिल रही है कि जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट होना चाहिए. तो पहले कितना था लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग? एम इंटू वी पैरेलल. एंड ये आपका बाद में भी सेम होना चाहिए, मतलब एम प्लस टू एम इंटू वी एक्स मैच करना चाहिए. समझ आया आपको? तो वी एक्स की वैल्यू देखो, वी पैरेलल बाई थ्री हो गई है, और वी पैरेलल खुद कितना था? वी नॉट कॉस 30 था. तो वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो गया v not divided by 2 root 3 आ गया. That's it. और जो vy है वो तो चेंज करेगा नहीं, vy remains unchanged. vy आपका v perpendicular से मैच करेगा, does not change. Since tension जो है ये perpendicular to v perpendicular है, perpendicular to v perpendicular, ये ध्यान रखेंगे. तो ये वाली वैल्यू आपकी v not sin 30 थी, तो अकॉर्डिंगली v नॉट बाई 2 हो जाएगा. तो अगर मुझे वेलोसिटी इसकी मार्क करनी है, मतलब m की मार्क करनी है, तो m की वेलोसिटी होगी रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और 2m की मार्क करनी है तो वो v हो जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ m दैट बिकम्स रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ऑफ 2m दैट बिकम्स सिंपली v व्हिच इज vx. समझ आई आपको? हां सर. हां सर. हां सर.